हरि ओम, मैं श्रिया वीरा विला सिंह पाणजी। मैं परेल यहाँ पे यस बैंक वहाँ पे जॉब करती हूँ। हम बापू के पास 1996 से आ रहे हैं। ये घटना है 29 सितंबर 2017 की, जो परेल में स्टैम्पेड हुआ था। ये मेरा ऑफिस टाइमिंग है 9:30 का, पर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ। जो 9:45 AM की घाटकोपर लोकल रहती है वहाँ पर मैं चढ़ूँ और वहाँ पर आराम से बैठ कर मैं जाऊँ। जैसे मैं घाटकोपर स्टेशन पर पहुंची तो वो ट्रेन थोड़ी लेट चल रही थी, तो दिमाग में आया कि हम पहले की ट्रेन पकड़ते, या कह सकते हो कि डैड ने मेरा ये जो विचार है 9:45 AM के ट्रेन का वो बदल दिया। और मैंने वो 9:42 AM की ट्रेन पकड़ी। वो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन नहीं, मैं चढ़ी। जैसे कि बापू ने मुझे धक्का मार के चढ़ाया होगा ट्रेन में। कुर्ला में जैसे पहुँचे वहाँ पर बारिश चालू हो गई थी। ये बारिश परेल तक थी, परेल में जाके ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जैसे मैं परेल स्टेशन पे उतरी, ये टाइम पे जो 8 से 10 का टाइम है, ये परेल स्टेशन पूरा भरा हुआ ही रहता, लेकिन आज की जो गर्दी देख के मुझे बड़ा ही टेंशन आ गया था कि मैं कैसे चढ़ पाऊँगी। पर कैसे कैसे मैं ये स्टेयरकेस पे चढ़ी। चढ़ते समय मेरे मन में मेरी मुठियाई और मेरे बापू का नामस्मरण चल ही रहा था। इतना सफोकेशन हो रहा था वो भीड़ में कि मैं कैसे जाऊंगी ऊपर, लेकिन नहीं, मेरे बापू और मेरी मोटियाई हमेशा मेरे साथ थी, तो मैंने ये स्टेयरकेस भी पार किया। जैसे परेल के ब्रिज पे चढ़ी, वहाँ पे देखा कि बहुत लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। इसके पीछे कारण था कि बारिश होने की वजह से लोगों के पास छाता नहीं थे, इसके लिए लोग वहाँ से निकल नहीं रहे थे। और वो ब्रिज इतना बड़ा नहीं है कि लोगों को ले सकता है। पर कैसे जाऊँ आगे, वही सोच रही थी। आस्ते आस्ते थोड़ा आगे भी चली गई। बापू और मोटियाई का नाम मेरे मन में चालू ही था। थोड़े टाइम में साइड में जाके रुक गई। कम से कम 20 मिनट तक मैं साइड में रुक के बापू और मोटियाई का नाम ले ही रही थी। बाजू में मेरी एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, उसका भी बचाव मैं कर ही रही थी। पर इतना ज़्यादा मॉब मेरे ऊपर आ रहा था कि मैं उसका बचाव ज़्यादा टाइम कर ही नहीं पाई थी। थोड़े टाइम में पीछे से एक आदमी आया, मुझे बता रहा है कि आप यहाँ से चलो। अब ये तो आदमी, मैं किसी को इसको जानती नहीं हूँ, इस पे मैं भरोसा कैसे करूँ। ये कह के वो आदमी गायब हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। अब आप ही समझे कि ये आदमी था कौन। थोड़े टाइम में देखा तो वहाँ पे जिस जगह पे इस आदमी ने मुझे बोला था कि यहाँ से चलो, वहाँ पे जगह हो चुकी थी। तो मैं बापू और मोटियाई का नाम लेके आस्ते आस्ते वो मॉब से थोड़ा 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 करके निकल गई। जैसे उतरी, ऑफिस पहुँची, पाँच मिनट में मुझे ये पता चलता है कि जहाँ पे, जिस रास्ते पे मैं खड़ी थी वहाँ पे स्टैम्पेड हो चुका है। ये सुन के तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, बैठ गई, बापू और मोटियाई का नाम स्मरण कर रही हूँ कि बापू और मोटिया, आज मुझे इतने बड़े संकट से आपने निकाला है। वहाँ पे 5 मिनट पहले अगर मैं वहाँ पे रहती तो मैं भी शायद उसका पार्ट बन चुकी होती, पर नहीं, आपने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं। आपने मुझे जैसे अपने बच्चे को निकाला जाता है वैसे ही निकाला वहाँ से, इतने प्यार से। मुझे कुछ भी लगा नहीं, मैं वहाँ पे जाके आराम से बैठी हुई थी। थोड़े टाइम के बाद पता चलता है, मैं शांत होने के बाद मुझे पता चला, मैंने कुछ चीज़ों पे गौर किया तो ऐसा पता चलता है कि अगर मैंने वो 9:45 की ट्रेन पकड़ी होती तो पक्का मैं इस स्टैम्पेड में होती। दूसरी बात, वो आदमी कौन था पता नहीं, वो बापू ही थे मेरे लिए, तो जो आके मुझे बता के गए कि नहीं बेटा, तुम यहाँ से चलो, यहाँ पे रास्ता हो चुका है। आज के दिन के लिए मैं एकदम एकदम अंबदन्य हूँ कि आज मैं जो खड़ी हूँ आपके सामने, जो बता पा रही हूँ, वो सिर्फ मेरी मोटियाई, बापू और मेरी एंटायर चंडिका कुल के वजह से। मैं अंबदन्य श्रीराम हूँ आज के दिन के लिए। जय जगदम्ब जयपुर के अंबदन्या।